नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ बसरा। फिजिकल इंटीमेसी इज जस्ट नॉट अबाउट सेक्स। चोर नहीं है हम। अरे आज की बीवी जल्दी चलिए। कश्मीर में मिलिट्री और मिल्टन के अलावा मेरे जैसे लोग भी रहते ना। आसिफ बसरा, इनके नाम को शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो, लेकिन इनके चेहरे से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये एक बेहद शानदार एक्टर थे और एक जिंदा दिल इंसान थे। If you don't find him, you can dig your bloody grave in these cheesy Switzerland mountains. 2020 के मनहूस साल में एक के बाद एक दुनिया छोड़कर गई शानदार शख्सियतों में इनका नाम भी शुमार होता है। You should not eat with your left hand. 12 नवंबर 2020 को आसिफ बसरा ने भी हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में सुसाइड कर लिया था। उस वक्त सुशांत सिंह के अचानक चले जाने के गम से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि उनके सह कलाकार रहे आसिफ बसरा की आत्महत्या की खबर ने सिने प्रेमियों के दिल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। आसिफ बसरा सुशांत सिंह के साथ फिल्म काई पोचे में नजर आए थे। अगर इसकी ट्रेनिंग और फिटनेस पे काम करें ना चाचा, कुछ ही सालों में अली रणजी तक खेल सकता, मैं बोलता हूँ। तो कैसे आसिफ बसरा एक्टिंग की दुनिया में आए थे, कैसे साइंस बैकग्राउंड का ये स्टूडेंट फिल्म इंडस्ट्री में इतना सफल कैरेक्टर आर्टिस्ट बना, किस्सा टीवी में आज हम आपको आसिफ बसरा की जिंदगी की कहानी बताएंगे। मैं नेपाली, मेरा बाप नेपाली, मेरी माँ नेपाली। आसिफ बसरा का जन्म हुआ था 27 जुलाई 1967 को महाराष्ट्र के अमरावती में। बचपन में इन्हें फिल्म कलाकारों की नकल उतारने में बड़ा मजा आता था। फिल्मी कलाकारों की नकल उतारने का इनका ये चस्का कब एक्टिंग के शौक और फिर जुनून में बदल गया, इन्हें खुद भी पता नहीं चला। जब ये 10वीं क्लास में थे तो स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर हुए एक नाटक में इन्होंने भी एक्टिंग की। इनकी एक्टिंग को काफी सराहा भी गया। इनके पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये मन ही मन तय कर चुके थे कि अब अगर कुछ बनना है तो फिल्मों की दुनिया में ही बनना है। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी आसिफ का एक्टिंग का शौक मरा नहीं। ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी कॉलेज में होने वाले नाटकों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अपने कॉलेज में काफी मशहूर भी थे। कॉलेज खत्म हुआ और इन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अपनी पगार का ज्यादातर हिस्सा ये सिनेमा हॉल में फिल्में देखने व थिएटर में नाटक देखने में खर्च कर देते थे। एक दिन एक नाटक देखने के दौरान ही इनकी मुलाकात सलीम गौश से हुई। सलीम गौश उन दिनों थिएटर की दुनिया का एक बड़ा नाम हुआ करते थे। सलीम गौश से हुई उसी मुलाकात ने आसिफ की जिंदगी भी बदल कर रख दी। सलीम गौश ने आसिफ को अपने नाटक हेमलेट में होराशियो का रोल दिया। आसिफ ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये रोल निभाया। इसके बाद आसिफ ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के एक और अंग्रेजी नाटक में काम किया। इस नाटक में भी इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई, लेकिन थिएटर में इनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस रही महात्मा वर्सेस गांधी नाम के नाटक में, जिसे उस दौर के मशहूर एक्टर फिरोज खान ने प्रोड्यूस किया था। इस नाटक में आसिफ ने 5 किरदार निभाए थे। मैं भी सुपरमैन नाम के एक नाटक में इन्होंने स्पाइनल बिफिडा नाम की बीमारी के मरीज का किरदार निभाया था। इस किरदार में भी आसिफ बसरा को बेहद पसंद किया गया था। आसिफ का फिल्मी सफर शुरू हुआ था साल 1998 में आई फिल्म वो से। ये फिल्म किसी सिनेमाघर में नहीं बल्कि जी टीवी पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म में इन्होंने एक हिस्ट्री टीचर का रोल किया था। आसिफ की दूसरी फिल्म थी रूल्स, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला। इस फिल्म के हीरो थे मिलिंद सोमन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें आसिफ की कॉमेडी लोगों को पसंद आई थी। इसके बाद इसी साल आसिफ क्विकसैंड नाम की हॉलीवुड फिल्म में भी नजर आए। हालांकि इसमें आसिफ का रोल बेहद छोटा था और शायद ही कोई इन्हें नोटिस कर पाया था। आसिफ बसरा का पहला सबसे दमदार रोल था फिल्म ब्लैक फ्राइडे में इनका निभाया शाहनवाज कुरैशी का रोल। अनुराग कश्यप के इस फिल्म में आसिफ की एक्टिंग बेहद पसंद की गई और आसिफ अब बॉलीवुड के स्थापित कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। 2005 में रिलीज हुई फिल्म परजानिया में भी आसिफ ने एक दमदार रोल निभाया था। 2002 के गुजरात दंगों पर बनी इस फिल्म में आसिफ एक टपोरी के किरदार में नजर आए थे। आसिफ की एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया था।
आसिफ ने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनके करियर की सबसे शानदार हॉलीवुड फिल्म रही आउटसोर्स्ड, जिसमें ये एक बीपीओ के मैनेजर बने थे। आसिफ ने अपने कॉमिक टाइमिंग से भारत और अमेरिका दोनों देशों के दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन्होंने प्रिंसेस ऑफ पर्सिया नाम की फिल्म में कैमियो रोल भी किया था। अपने करियर में आसिफ ने 29 फिल्मों में काम किया था। इनकी सबसे प्रमुख फिल्म थी काई पोचे, क्रिश 3, जब वी मेट, एक विलेन, फ्रीकी अली, काला कांडी और हिचकी। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा आसिफ बसरा ने तमिल, मलयालम, गुजराती और हिमाचली फिल्में भी की थी। साथ ही इन्होंने पाताल लोक व होस्टेजेस नाम की वेब सीरीज में भी काम किया था। जिंदगी के आखिरी सालों में आसिफ हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में रह रहे थे। यहां उन्होंने किराए पर एक घर लिया था और अपनी एक विदेशी मित्र के साथ वो यहाँ लिव इन में रहते थे। किराए के इसी घर में आसिफ बसरा ने सुसाइड करके खुद को खत्म कर लिया। उनकी मौत के बाद दावे किए गए कि आसिफ बसरा कई दिनों से डिप्रेशन के शिकार थे। सच्चाई क्या है ये कभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, लेकिन किस्सा टीवी इतना जरूर कहना चाहेगा कि आसिफ बसरा के टैलेंट को वो कद्र कभी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जय हिंद।